हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम जिंदा दिली से और बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने 2023 की तैयारी के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं, कुल 6 मंथ हमारे पास रिमेनिंग है, क्योंकि सातवां महीना जो मई का है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसी महीने हमारा पेपर है यूपीएससी प्रीलिम्स। अगर नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है, भले ही मेंस आपका कितना बेहतर क्यों ना हो, ऑप्शनल आपने कितना तैयार क्यों ना कर लिया हो, मेन लड़ाई तो खासकर बची है प्रीलिम्स की। क्योंकि अगर प्रीलिम्स में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 4-5 लाख लड़के बच्चे पेपर देते हैं, अब इतने एस्पिरेंट्स के बीच में उन 10 हज़ार में आना अपने में चुनौती तो है ही, और यूपीएससी जैसा पेपर सच में काफ़ी चुनौती पड़ा है। लेकिन उसको निकालने की कुछ तरकीबें भी हैं, अगर आप सही से पढ़ाई कर सकते हैं तो हो सकता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। 6 महीना कौन कौन सा हमारे पास, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यही कुल मिला के 6 महीने बचे हैं, और इसी 6 महीने में हमें कुछ ऐसा करके दिखा देना है जिससे क्या हो, हमारा आराम से प्रीलिम्स हो जाए, मेंस भी कंप्लीट हो जाए, अगला जो 3 महीना मेंस के लिए बचेगा उसमें हम मेंस भी अच्छे से कर लेंगे जो बचा होगा। लेकिन अभी प्रीलिम्स को भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है मैं उसके तौर पर बात करूँगा, बहुत अच्छे से बात करेंगे, और कैसे कम्प्लीट करना है उसकी एक बहुत अच्छी सी रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हमें, खासकर ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्यों ज़रूरी है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी का कुछ कोर एरिया है, उस कोर एरिया से ना वो बाहर नहीं जाती, वो उसी कोर एरिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछती है, तो हमें उस कोर एरिया को ध्यान रखना है। एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा, कम से कम मैं 5 वीडियो लाऊँगा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पर। एग्जैक्टली क्या है कि एक सब्जेक्ट को लेके उसके सभी डायमेंशंस को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और मैं नहीं चाहता कि 1-2 घंटे की वीडियो बने, सिर्फ 15 से 20 मिनट में एक सब्जेक्ट, कुल मिला के 5 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, इकोनॉमी। नंबर दूसरा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉलिटी। नंबर तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चौथी की बात करें तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट। उसके बाद अगली हम बात करते हैं तो वो हमारा ज्योग्राफी आ जाता है। फिर अगली बात करते हैं तो हमारा हिस्ट्री आ जाता है। और अंत में क्या बचता है, करंट अफेयर्स। कुल मिला के 7 पॉइंट, ठीक। आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, सिर्फ एक, और उसका नाम है पॉलिटी। क्यों पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, देखो एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, उस पे बात करेंगे। एक वीडियो ये वाला आप देख लीजिए, इस पे मैंने क्या किया है, पॉलिटी की ट्रेंड एनालिसिस की है, बार बार उस चीज़ को नहीं बताऊँगा। आज बात करेंगे कि आप अपने पॉलिटी को कैसे तैयार कर सकते हैं, और प्रीलिम्स की हमारी रणनीति कैसी होगी आने वाले अगले 3 महीने में, उसके बाद 3 महीने में क्या होगी। अभी बात करेंगे पॉलिटी। देखिए सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो भी मैं पॉलिटी के सेशंस मेंस के लिए ले रहा हूँ, जिसमें हमारी लगभग 2 यूनिट कम्प्लीट होने वाली हैं, उन 2 यूनिट को आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से लेके, एक क्लास से लेके बाकायदे देखिए, अच्छे से देखिए। विश्वास करिए, भले ही आपको थोड़ा सा बोरियत लगे, कुछ भी लगे, लेकिन उसको करना है। ये क्यों, क्योंकि वो आपके ना माइंड की जो माइंडसेट है वो इंक्रीज करेगा। जब माइंडसेट आपका इंक्रीज कर जाएगा ना, तो प्रीलिम्स में विश्वास करिए बहुत हेल्प आपको मिलेगी। उसके साथ साथ क्या करना है, ट्रेंड एनालिसिस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, कौन कौन से कोर एरियाज हैं। क्या करिए, 3 रिसोर्सेज बता रहा हूँ, इसको फॉलो करिए, पेन कॉपी उठा लीजिए, वो लिखिए पॉलिटी। अगले 2 महीने में आपको यही करना है पॉलिटी के लिए। रोड डेली क्या करना है, 45 मिनट से 1 घंटा आपको निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटा निकालिए, इससे ज़्यादा आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेंस अभी ज़्यादा फोकस करना है जनवरी तक, है ना। तो क्योंकि मेंस पे अगर पकड़ अच्छी नहीं बनेगी तब भी प्रॉब्लम है, आगे चल के सिलेक्शन में दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए क्या करना है, थोड़ा सा सोच के समझ के आगे बढ़ना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगले 2 महीने में पॉलिटी पे 3 रिसोर्सेज हमारे क्या होंगे। नंबर एक, जो हमारे पास लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो सबसे पहली मेन सोर्स होगी प्रीलिम्स के लिए। नंबर दूसरा, जो मैं करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, मेंस पॉलिटी मेंस की क्लासेस, उसको रेगुलर करनी है, एक एक करके पूरे लेक्चर करते जाइए, और जो भी आईआर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप आईआर ओपन करके देखेंगे 4-5 सेशन आ चुके, उसको करिए, तब आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे ना कि कहाँ पे। अब देखिए मैंने 4 यूनिट वहाँ से उठा ली, उसके बाद यहाँ पे 2 यूनिट लगभग कंप्लीट होने वाली हैं, तो मैं तो पीछे नहीं चल रहा ना, मुझे पता आने वाले समय में जनवरी तक मैं अच्छे से कंप्लीट कर ले जाऊँगा। आपको भी यही करना है, उसको करते रहिए। उसके साथ क्या करना है, 1 घंटे आप पॉलिटी को दीजिए, अपनी एम लक्ष्मीकांत,
टॉपिक वाइज चीज़ें उठाई, उसको बढ़िया से अगर हो सके तो नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, अगर नहीं हो पा रहा है तो उसी में निशान बनाइए, मत बनाइए नोट्स। नंबर तीसरा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या करेंगे, किसी भी कोचिंग की मैगज़ीन उठा लीजिए, मंथली मैगज़ीन, या मैं बताऊँ सबसे अच्छी है विज़न, विज़न उठाओ, इसके अलावा कुछ मत उठाओ अगर उठा सकते हो तो। क्या करना है, जनवरी 2021, कब से, जनवरी 2021 से अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, तो आप क्या करिए उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, एक एक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ क्या करना है, राज्य व्यवस्था के टॉपिक पे जाना है, कुल मिला के 5-7 टॉपिक हर महीने का होता है, उसमें से देखिए कौन कौन से कोर एरियाज में क्या क्या टॉपिक्स हुए जो लास्ट के 2 साल में करंट अफेयर में रहे हैं। विश्वास करिए आपका पॉलिटी का जो लास्ट के 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर बेस पे आ जाता है वो नहीं छूटेगा, सही करके आ जाओगे 2 साल का, फिर से बता रहा हूँ मिनिमम 2 साल, 1 साल का मत करना, 1.5 साल का भी मत करना, 2 साल पूरे करने, पूरा मैं क्या करूँगा 2021 करूँगा, पूरा 2022 करूँगा। अब मान लीजिए आपने जनवरी को उठाया 5 टॉपिक, फरवरी के 5-10 टॉपिक, ऐसे करके 5 से 6 टॉपिक ही हैं, इससे ज़्यादा है नहीं, 2 साल में 24 महीने, और 24 महीने का जो टॉपिक हो गया वो हमारे पास कितने हो गए, अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो लगभग 120 टॉपिक के आसपास हमारे पास हो जाएंगे। अब 120 टॉपिक आप वो रेडी कर लीजिए, उसमें छोटी छोटी पॉइंट, हो सकता है आपको किसी मंथ में कुछ भी अच्छा ना मिले लेकिन कुछ तो मिलेगा, तो वो क्या करेगा आपको एक नई एनर्जी देगा, जितनी करंट अफेयर की बातें हैं वो आपको पता चल गया, कौन सा अधिनियम आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं हुआ 2 साल में, सब कुछ। इधर एम लक्ष्मीकांत टॉपिक वाइज आप करते जा रहे हैं वो करिए। क्या करना है, जो विज़न आईएएस वाला आप बना रहे हैं 2 साल का, उसका आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे, एम लक्ष्मीकांत का नोट्स मत बनाइए चलेगा। अब मान लीजिए वहाँ पे कुछ रहा, कोई मुद्दा रहा है ना, जो आपसे एम लक्ष्मीकांत से सीधा कनेक्ट हो रहा, तुरंत जाके एम लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ डालना है, वहाँ से अगर एम लक्ष्मीकांत से कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स मिल गए या बिटवीन द लाइंस कुछ मैटर मिल गया उसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन नोट्स बनाने हैं 2 साल के करंट अफेयर्स के। विश्वास करिए 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के 5 क्वेश्चन सही कराएगा वो, नहीं तो विश्वास करो 15-16 क्वेश्चन आते हैं, 10-12 पे अटक जाओगे, 3-4 क्वेश्चन नहीं हिलेंगे भाई, गलत करके आओगे, ठीक है। तो ये करना है, एम लक्ष्मीकांत के नोट्स कोशिश करिए ना बनाइए, क्योंकि बार बार उसी किताब को पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने उस वीडियो में बनाए हैं उसको आप देख लीजिए, बस इतना कर दीजिए 2 महीने 1 घंटा क्या करना है, यही करना है बस, हो सके तो टाइम बढ़ा लो, 1 घंटा कम पड़ रहा है तो बढ़ा लो, सीधी सी बात है, क्योंकि क्या करना है, पॉलिटी की भी मेंस की क्लासेस हैं, जीएस पेपर 1 है 2 है 3 है, सब कुछ तो कर रहे हो, ऑप्शनल भी कर रहे हो, इतना टाइम नहीं मिलेगा लेकिन करना है। अब बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द प्रीलिम्स स्टडीज इज ज़बरदस्त, मतलब जो हमें करना है, ये तो पॉलिटी की बात हो गई, इतना करिएगा प्लीज़, इतना ज़रूर करिएगा, फिर आप मुझसे ना एग्ज़ाम बाद मिलिएगा, मैं खुद वीडियो लेकर आऊँगा और जो कैंडिडेट इसको देख रहा है तो वो ये चीज़ फील करेगा बाद में कि नहीं सच में इससे बेहतर स्टडीज नहीं हो सकती। किसी टीचर के चक्कर में मत जाइए, मैं खुद बता रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा यार, मैं ये नहीं कर रहा, मैं आपके टीचर की बुराई नहीं कर रहा, अभी अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तब की बात बता रहा हूँ, कोचिंग पे हैं तो कोचिंग करिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, क्या करना है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है 2 साल के करंट अफेयर जम के पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या कर लीजिए, देखिए बहुत सारे लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ाए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं आप जानते हैं, वहाँ पे जाके पढ़ लो यार, अगर एम लक्ष्मीकांत में दिक्कत आ रही है पढ़ने में तो, है ना, उसके साथ साथ विज़न आईएएस के जितने नोट्स हैं 2 साल के पूरे करंट अफेयर के, वो नोट्स मेरे पास होने ही चाहिए, बस इतना करना ही करना है, ठीक है, ये करना है। और उसके बाद जो मैं करा रहा हूँ मेंस के लिए वो मस्ट है, मस्ट मस्ट मस्ट, विश्वास करो उससे ज़बरदस्त आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी, चाहे वो आईआर का होगा मैटर, चाहे इसका होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगला हमारा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में क्या चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। देखो वहाँ पे जाने के लिए ना सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 महीने हैं, कितने महीने हैं, 6 महीने, और मुझे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लगभग आपने देखे 6 सब्जेक्ट तो थे और 1 करंट अफेयर, कुल मिला के 7 सब्जेक्ट, आप 4 सब्जेक्ट चूज़ करिए, कितने, 4, जैसे मैंने जो चूज़ किया मैं वो बता देता हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, उसके साथ ज्योग्राफी है, ये 5 सब्जेक्ट विश्वास करिए उसमें मैं अपने आप को धुंधल बनाना है मुझे। हिस्ट्री मेरी कमज़ोर रही है, मुझे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता, तो उतना मैं पढ़ता भी नहीं हूँ एग्जैक्टली, मुझे पता है मैं हर फील्ड में बेस्ट तो नहीं बन सकता यार,
आपकी अगर हिस्ट्री बेस्ट है तो आप हिस्ट्री कर लीजिए। एक सब्जेक्ट आप देखेंगे जो आपका कमज़ोर है, तो उस सब्जेक्ट में ना उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्यों है, क्योंकि जो कमज़ोर है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो जो मजबूत है वो छूट जाएगा। और प्रीलिम्स में अगर चार सब्जेक्ट आपके ज़बरदस्त मजबूत हो गए तो 80 से 90 नंबर का पेपर आपके कब्जे में है, उसी को ज़बरदस्त दे दो बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हिस्ट्री इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वहाँ से दो चार क्वेश्चन भी नहीं हिलेंगे, वो तो हिलेंगे ही, सीधी सी बात है, मॉडर्न हिस्ट्री ठीक ठाक है। और भी जो भी धर्म वगैरह जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म ये पढ़ लो, सिंधु सभ्यता पढ़ लो, ये सब पढ़ लो, काम हो जाएगा जो हिस्ट्री है। अब जिसकी साइंस कमज़ोर है बेचारे का, वो क्या करेगा, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बस उतना ही पढ़ेगा जितना उसको समझ में आती है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है भाई। मत मत सर फोड़ो ना यार, उससे अच्छा तुम हिस्ट्री पर उतना दिमाग लगा दो अगर उसमें लगता है तो। ऐसे करके आपको सोच के चलना है, चार सब्जेक्ट यू हैव टू सेलेक्टेड, अभी से बता रहा हूँ, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो और उस पर महारत हासिल कर लो। चार सब्जेक्ट जैसे मेरा है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट, उसके साथ ज्योग्राफी टच हो जाती है तो उसको भी ले लिया है मैंने। हिस्ट्री पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करूँगा, एंशियंट के कुछ पार्ट करूँगा, बस इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। आर्ट एंड कल्चर देख ही रहे हैं, सीजन चल रहा है तो वो मेरा फेवरेट है, तो आर्ट एंड कल्चर कुछ अच्छा लगता है, क्या कहते हो, ठीक है ना। इतना कर लीजिए, चार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। प्रीलिम्स में क्या करना है फिर बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट अभी आज डिस्कस कर रहा हूँ, पॉलिटी, तीन सोर्सेज मैंने बताए, इससे आधा मत जाना, कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। नंबर एक मेंस आपका रेडी हो जाएगा। नंबर दो क्या करना है, विजन आईएएस में जाना है, 2 साल के पीडीएफ डाउनलोड कर लेने हैं, मैगजीन के 4 से 5 पॉइंट हर महीने के दिए होते हैं, बस उसी को देखना है। हाँ एक चीज़ और करना था यार, पॉलिटी के साथ आईआर जुड़ता है, आईआर जब आप आईआर की क्लासेस करेंगे ना, उसी के साथ साथ विजन में भी जाना है, वहाँ पे 2 साल के पिछले आईआर के जो करंट अफेयर में न्यूज रही है वहाँ से भी आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यूपीएससी पिछली बार 2021 में भी 2022 में भी क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन देखे जो सीधा आईआर पे क्वेश्चन आया है, तो आपको आईआर तैयार करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इतना जाके करो, ठीक है, इतना करिए। उसके बाद कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, टेलीग्राम नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या समस्या आती है, सब पे बात करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, पॉलिटी करना शुरू कर दिए, साथ में करते रहेंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर भी रेडी रहेगा, अंत में कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी को मैं बार बार रिवाइज करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। और एक चीज़ और, अगर कर पाएँ तो अगले महीने से करिएगा, वो क्या करना है, जब थोड़ी सी प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई हो जाएगी तो क्या करना है, उठाना है PYQ, रोज डेली 10 मिनट देने हैं, 5 से 7 क्वेश्चन रोज पॉलिटी के सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी से पॉलिटी पे डिस्कस किया है, अंतिम बात यही कहूँगा, कुल मिला के चार सब्जेक्ट चूज करने हैं जिस पे मुझे बेस्ट देना है। जो मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर है बस मैं उस पर उतना ही पढ़ूंगा जितना मुझे आता है, बहुत ज़्यादा विद्वान बनने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है हर चीज़ हर व्यक्ति की हो नहीं सकती है मजबूत। हो सकता है किसी का ज्योग्राफी कमज़ोर हो, भाई ज्योग्राफी आते कितने क्वेश्चन है कभी देखा तुमने, पता चला ज्योग्राफी में लगे पड़े हो, नहीं समझ में आ रहा है यार कि बादल कैसे बन रहे हैं, हटा दो। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है मैं कह रहा हूँ प्लीज़ उसमें पागलपन मत जाइएगा, नहीं तो विश्वास करिए वो टाइम आपका इतना ज़्यादा ले लेगा ना कि अदर सब्जेक्ट की वजह से प्रीलिम्स में रुकावट बन जाएगा। प्रीलिम्स सच में बहुत टफ है, ठीक है, रियलिटी से आइए। 1% रिजल्ट है, अगर आप देखेंगे 10 लाख अगर फॉर्म पढ़ते हैं तो 5 लाख लग के 4 लाख लग के बच्चे पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। अब उसमें से कितना रिजल्ट आता है, 10-12 हज़ार पास होते हैं, 1% ही तो रिजल्ट हुआ, सॉरी 1% क्या, 10% रिजल्ट हुआ, ठीक है, 10% कहाँ जाएगा, 10% घटा दो, मुश्किल लगता है 1 से 2% रिजल्ट हुआ, खुद सोचिए ना फॉर्म भरने के चक्कर में, तो भाई समझो बात को आप, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फिर बस यही कहूँगा, चार सब्जेक्ट चूज करने हैं और पॉलिटी के लिए जो बताया इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो आपका काम और आप जानिए, जहाँ भी आपको सही लगता है वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं वो आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सही लगती है तो आप फॉलो कीजिए, विश्वास करिए। एग्ज़ाम के बाद हम फिर से मिलेंगे और इस पर बात करेंगे कि देखिए क्या हुआ है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या जो है बताइए, उस पर सॉल्व किया जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, थैंक यू।